कई बार हमारे कारण किसी का बुरा हो जाता है, कई बार होता हमारे कारण। चलिए, भगवान ना करे कि हम किसी के दुख के कारण बने, पर आज अवसर है कि हम किसी के दुख के कारण बने ना बने, पर किसी के सुख के कारण तो बन जाएं। किसी की होंठों पे हंसी आए और उसके कारण यदि आप बन गए, तो मुझे लगता है कि यह मानव का तन प्राप्त जो आपने किया है आज सफल हो गया। हम कारण बन गए इस संसार में, हम सभी कारण ही हैं। कोई दुख का कारण बनता है, कोई सुख का कारण बनता है। जैसे रावण का अहंकार रावण के विनाश का कारण बन गया, जैसे कौरवों का अहंकार जिद उनके सर्वनाश का कारण बन गई, जैसे अर्जुन का विश्वास कृष्ण की प्राप्ति का कारण बन गया और द्रौपदी का चीरहरण हम जैसे तमाम भक्तों के लिए विश्वास का कारण बन गया। द्रौपदी का चीरहरण ना होता तो हमें कैसे पता चलता कि भगवान को बुलाओगे तो तुरंत आएंगे। द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ और उसकी आधी साड़ी उतर गई, तब द्रौपदी ने बुलाया, भगवान तुरंत दौड़ कर आए। उस समय भगवान द्वारिका में भोजन कर रहे थे, दौड़कर भगवान आए और द्रौपदी की लाज बचाई। तब से हम अच्छा द्रौपदी को निमित्त बनाया इसलिए कि आने वाले युगों में हमारे ऊपर लोगों का विश्वास बना रहे, उसके लिए भगवान ने कारण किसे चुना? द्रौपदी को। अच्छा, प्रहलाद जी के कहने से भगवान खंबा चीर कर ना आते तो आज पत्थरों पर विश्वास कौन करता? हाँ, हम लोग भी तो मंदिर जाते हैं, वहां भी तो भगवान पत्थर के होते हैं। हम लोग पुष्प चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। किसी ने पूछा ये क्यों कर रहे हो, हमने कहा हमारा इसके पीछे एक विश्वास है। क्या विश्वास है? बोले प्रहलाद के लिए भगवान यदि खंबे को चीर कर प्रकट भए थे तो हमारे लिए भी इस पत्थर से कभी ना कभी प्रकट जरूर होंगे। बस इस विश्वास से आज करोड़ों लोग मंदिर जाते हैं। लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान सर्वत्र है तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? सही कह रहे हैं आप, मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु क्या कहें हम, किसी का विश्वास जम गया है, किसी का विश्वास बन गया है, अब उसे आप कैसे तोड़ेंगे? प्रिय भक्तों, मंदिर में भगवान बैठे हैं, हम मानते हैं कि इनमें से भगवान कभी ना कभी दर्शन देंगे, यही भगवान है। कब से? जब से प्रहलाद के कहने पर भगवान खंबे से निकल आए। प्रहलाद के कहने से खंबे से भगवान निकले, इस बात को युग बीत गए। ये बात सतयुग की है और हम बैठे हैं कलयुग की। सतयुग तो बीता ही, त्रेता भी पूरा बीत गया, द्वापर भी पूरा, अब कलयुग चल रहा प्रथम चरण में। हम अभी तक इस उम्मीद से बैठे हैं कि यदि प्रहलाद के लिए कभी आए तो हमारे लिए भी आएंगे। तो किसी ने भगवान से डायरेक्ट प्रश्न कर दिया, हे भगवान ये बताइए कि प्रहलाद के लिए तो जल्दी से आ गए थे, हमारे लिए तो नहीं आए? तब भगवान ने आवाज लगाई, जब हमने कहा कि हमारे लिए देर क्यों, प्रहलाद के लिए तो जल्दी आए, तब भगवान ने धीरे से कहा, बेटा तुम प्रहलाद तो बन जाओ, अर्थात ईश्वर के प्रकट होने में देर नहीं है, हमारे प्रहलाद बनने में देर है। कमी हम में है, हम कमियां दूसरे में ना ढूंढें कि कमी उनमें है, उनमें है ना, हम में ही सारी कमियां हैं। हम ही प्रहलाद नहीं बन पाए, हम ही मीरा नहीं बन पाए। प्रिय भक्तों, भगवान सर्वत्र हैं,
परंतु मुझे विश्वास है आज मैं भक्तमाल में एक भू गर्भ की कथा पढ़ रहा था। भू गर्भ नाम के एक भक्त थे, भक्तमाल में इनकी पावन चर्चा है। भू गर्भ गोसाई जी थे, वृंदावन के ही पुजारी थे, यही वृंदावन के एक भक्त हुए हैं भू गर्भ गोसाई, जो बिहारी जी के मंदिर में सेवा देते हैं ना, पूजा करते हैं, उन्हें गोसाई कहते हैं। उन्हीं के परिवार के कोई भक्त हुए हैं जिन्हें भू गर्भ कहा गया। उनका मन संसार से हट गया, वो रोज गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, रोज गोवर्धन जाया करते थे और गोवर्धन में रखे हुए पत्थरों को देख देख करके रोया करते थे। किसी ने कहा, बाबा जी आप रोते क्यों हैं? तो भूगर्भ जी कहा करते कि ये पत्थर भी हमसे ज्यादा भाग्यशाली हैं, जिन्होंने कम से कम भगवान को स्पर्श तो किया ही होगा। भाई पत्थर हैं, इनके ऊपर पांव पड़े होंगे, इनके ऊपर गाय चराई हैं, तो कभी ना कभी पांव तो पड़े ही होंगे, कभी हाथ से भी उठाया होगा या उस पर जाके कभी भगवान बैठे भी होंगे। वो भूगर्भ जी रोते थे और कहा करते थे कि ये पत्थर भी हमसे ज्यादा भाग्यशाली हैं कि कम से कम भगवान ने इन्हें स्पर्श कर लिया। और वो ये कहकर रोते कि प्रभु मैं कितना भागा हूं, आप मुझे देखते भी नहीं। बस वो ये कह करके रोते रहते और रोते रोते परिक्रमा लगाते हैं, है ना। आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा, लोग गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं, कोई जल की धार डालता है, कोई दूध की धार से परिक्रमा लगाता है, है ना, दूध की धार से परिक्रमा लगाते हैं लगाने वाले। पर भू गर्भ जी ऐसे थे कि वो अपने नेत्रों के जल की धार से परिक्रमा लगाते थे, इतना प्रेम भगवान के प्रति, इतना प्रेम कि वो बस अपने आप को अभागा कहते कि मेरे जैसा अभागा कोई नहीं है। हाँ क्यों, किसी ने कहा आप अभागा क्यों मानते हैं अपने आप को? बोले मैं अभागा इसलिए हूं कि मेरी उम्र बीती जा रही है, अभी तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ। प्रभु क्या आपके दर्शन के बिना ये नेत्र मुंद जाएंगे, अर्थात क्या आपके दर्शन के बिना ही प्राण निकल जाएंगे? ये कहते कहते वो गोवर्धन की तरफ देखते और परिक्रमा लगाते, अचानक उनका पांव एक पत्थर से टकरा गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। जमीन पर गिरे, उनके पांव में रक्त की धार गिरने लगी, अर्थात चोट गहरी आई। चोट जब लगी, आसपास कोई नहीं था उन्हें उठाने वाला, उन्हें संभालने वाला, तभी एक साधु के रूप में स्वयं भगवान पहुंच गए और भगवान ने साधु को अपने हाथ से उठाया, भूगर्भ जी को, और उठा करके उनकी कुटिया पर, उनके निज स्थान पर लाकर छोड़ा। और जैसे ही उन्हें छोड़ा, भूगर्भ जी ने आवाज लगाया, भैया तुम कौन हो, अपना पता तो बता दो। बस ये कहते कहते वो देख ही रहे थे कि उनके देखते देखते भगवान अंतर्धान हो गए, भगवान चले गए। अब तो भूगर्भ जी और रोने लगे। किसी ने कहा क्यों रो रहे हैं? भूगर्भ जी ने कहा मैंने भगवान को पहचाना नहीं, उन्होंने मुझे उठाया, मैंने भगवान को इतनी तकलीफ दी, मेरे कारण वो आए और मुझे उठा करके चले, कितना कष्ट हुआ होगा उन्हें, मैं तो धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं तो जीवन में भगवान का दर्शन ना कर पाया और मिले भी तो पहचान ना पाया, धिक्कार है मेरे जीवन को। वो ये धिक्कारते धिक्कारते सो गए और जब सोए तो उन्हें स्वप्न आया और स्वप्न में भगवान ने कहा, भूगर्भ जी आप मेरे इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े भक्त हैं कि आप जब परिक्रमा लगाते हैं तो आप जब मेरी तरफ देखते हैं तो आप तो चलते जाते हैं और मैं स्वयं टुकुर टुकुर आपको निहारता रहता हूं, और एक बार आपकी आंख मेरी आंख से मिली तो पत्थर बीच में आ गए और आप गिर गए, ये तो मेरा सौभाग्य था। यदि आप मुझे याद करते हैं तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं आपको याद करूँ। हाँ जो भगवान को याद करता है भगवान उसे याद करते हैं। ये मत सोचिएगा कि केवल हम भगवान को याद करते हैं, ना, जो मुझे भजता है मैं उसे भजता हूँ, ये भगवान स्वयं कहते हैं, ये उनका वायदा है, उनका वादा है। जो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव
भजाम्य हम, जो मुझे भजता है मैं उसे भजता हूँ।